बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास फ्रिज है, इसमें फॉल्ट तो एक्चुअल में कोई नहीं है। ये दरवाज़ा जो है, ये कहते हैं कि बच्चे बार बार खोलते हैं, ठीक है। इसका अपना भी लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो भी जो है ना मकसद के बच्चे खोल लेते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, वो चाबी के साथ खोल जाते हैं। आज हम इसके साथ लगाएंगे एक दूसरा लॉक, ठीक है। एक साइड पे, जो साइड पे जिस तरह मोबाइलों का होता है साइड माउंट लॉक जो है ना, तो इसका भी साइड माउंट लॉक लग जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैं लगाता हूँ लॉक। किस तरह लगाना है, लॉक लगाने से पहले हमें ये चीज़ कंफर्म करनी है कि इसकी बॉडी का इंटरनल कंडेंसर जो है वो लीक ना हो जाए। तो उसको हमने देखना है कि वो है कि नहीं है। तो मैंने इसका पीछे कंडेंसर चेक किया, तो वो बॉडी के अंदर नहीं है, वो अलग है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर हम इसका लॉक लगाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा लैच लॉक लग गया, ठीक है। ये बेसिकली देखा होगा आपने, मोस्टली खिड़कियों में लगा होता है, ये उस तरह का है, वैसा ही है। तो इसमें यह है कि कम से कम जो है ना, बच्चे फ्रिज जो है ना, छोटे बच्चे वो नहीं खोलते, मजबूत होता है इससे दरवाज़ा। वैसे तो एक लॉक इसका वहाँ पे करके लगा हुआ है, लेकिन वो भी जो है ना लॉक वो बच्चे खोल लेते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा सख्त होता है। इससे यह है कि प्रोटेक्शन, और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये कि आप देखें साइड पर पूरे फ्रिज की रबड़ बिल्कुल साथ जो है ना फिक्स्ड है, ठीक है। वो इसका ये भी एक बड़ा फ़ायदा होता है। देखने में थोड़ा सा वेयर्ड लगता है, लेकिन बंदा जब एक दो दिन तक भी है ना यूज़ टू हो जाता है, उसके बाद जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।